करतूत हम आपको बताते हैं, क्योंकि ये पूरा घोटाला जो दिख रहा है उतना आसान ये है नहीं, इस पर यकीन करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि सिर्फ पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुलनाथ शेट्टी की मिलीभगत से इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया गया हो ये संभव नहीं है। जांच एजेंसियों को शक है कि जिस स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल बैंक विदेशी लेन देन में करते हैं उनके पासवर्ड का पता नीरव मोदी या उनकी कंपनी के कुछ लोगों को भी था। पंजाब नेशनल बैंक घोटाले में बहुत बड़ा खुलासा, नीरव मोदी के पास बैंक के स्विफ्ट सिस्टम का पासवर्ड होने का शक। स्विफ्ट सिस्टम का पासवर्ड नीरव मोदी या उसकी कंपनी के लोगों के पास होने का क्या मतलब है, इसे जानने से पहले ये समझना ज्यादा जरूरी है कि बैंकों में स्विफ्ट सिस्टम होता क्या है। दुनिया भर के बैंक स्विफ्ट सिस्टम के जरिए आपस में जुड़े होते हैं, इसी के जरिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैंकों में लेन देन होती है। नीरव मोदी को विदेश में लोन का अप्रूवल भी स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ही दिया जाता था। सूत्रों के मुताबिक जांच एजेंसियों को शक है कि रकम की इस अदला बदली को लेकर स्विफ्ट मैसेज का कोड मामा भांजे की कंपनियों के लोगों को भी दिया गया होगा, जहां से रकम में अदला बदली और फेरबदल किया जाता रहा होगा। दरअसल जांच एजेंसियों को गिरफ्तार किए गए पीएनबी के पूर्व डिप्टी मैनेजर गोकुल शेट्टी के कंप्यूटर और सर्विस फाइल से कई बड़ी जानकारियां हाथ लगी हैं। पता चला है कि स्विफ्ट मैसेज विदेशी बैंकों को भेजते वक्त बदल दिए जाते थे। मैसेज बदलने से होता क्या था, आपको समझाते हैं। मान लीजिए नीरव मोदी को विदेश में 50 करोड़ रुपए की पेमेंट करनी है। मिलीभगत होने की वजह से गोकुल शेट्टी ने स्विफ्ट सिस्टम में नीरव मोदी के नाम पर 50 करोड़ की जगह सिर्फ 5 लाख रुपए लोन की एंट्री की। पैसे कम होने से जल्द ही इसे अप्रूवल मिल जाता है। फिर गोकुल शेट्टी अप्रूवल मैसेज में 5 लाख को बदलकर 50 करोड़ कर देता। इसके बाद स्विफ्ट सिस्टम के जरिए ये मैसेज विदेश में मौजूद बैंक को भेज देता। विदेश में मौजूद बैंक को अप्रूवल कोड के साथ 50 करोड़ का लोन दिखाई देता। बैंक बिना किसी पूछताछ के पैसा नीरव मोदी को दे देता था। इस तरह स्विफ्ट मैसेजों को बदलकर इतनी बड़ी धोखाधड़ी लगातार की गई। लेकिन गोकुल शेट्टी ने सिर्फ यहीं पर धोखेबाजी नहीं की, बल्कि वो एक ही ब्रांच में 8 साल तक टिका रहा, जो बहुत बड़ा शक पैदा कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच की आंच बैंक के आला प्रबंधन तक भी पहुंच सकती है, क्योंकि सीबीसी की गाइडलाइनों के मुताबिक एक अधिकारी को एक जगह पर 3 साल से ज्यादा तैनात नहीं किया जा सकता। ऐसे में सवाल तो ये भी पैदा होता है कि गोकुल शेट्टी को एक ही ब्रांच में एक ही पद पर रखने वाला शख्स कौन था। ये सवाल इसलिए क्योंकि गोकुलनाथ शेट्टी के लिए बगैर किसी मदद के इतना बड़ा घोटाला करना मुमकिन नहीं है। दिल्ली से ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। दिबांग देखिए, जरा चोर के पास ही पासवर्ड, तो चोरी करने से कौन रोक सकता था उसको, इतनी कच्ची थी बैंक की सुरक्षा व्यवस्था। जी हाँ, सुरक्षा व्यवस्था कच्ची नहीं थी, तो सब मिलीभगत थी। और मुझे लगता है कि ये पीएनबी बैंक ही नहीं, बाहर भी जहां रहे होंगे सब जगह इसकी मिलीभगत थी। सब जगह पैसा खिलाया जाता था, रसूख वाला था, नाम सुनाए जाते होंगे बड़े बड़े, तो ये एक पूरी मिलीभगत थी जिसका नतीजा इतना बड़ा घोटाला है। और इसका जो सीधा असर है वो ये है कि आज और कई कारोबारी और कई, मैं पिंक पेपर पढ़ रहा हूँ सुबह से, कई पिंक पेपर्स में खबर है कि आज जो लोग कारोबार कर रहे हैं वो ये स्विफ्ट अपना मैसेज लेके जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये LOU के लिए स्विफ्ट नंबर नहीं, सीधा हम बैंक को फ़ोन करेंगे। एक बार, दो बार, तीन बार बैंक को फ़ोन कर रहे हैं, उससे उनका समय लगातार बढ़ते जा रहा है, कारोबार करने में मुश्किल हो रही है, क्योंकि पूरी व्यवस्था चरमरा गई है। बिल्कुल दिमाग। और इतना ही नहीं, नीरव मोदी और मेहुल चौकसी की, क्योंकि हम लगातार बात कर रहे हैं, मेहुल चौकसी की कंपनी में उनके साथ काम कर चुके एक वरिष्ठ अधिकारी ने यहां तक कहा, इतना दबाव उनके ऊपर था इस फर्जीवाड़े को लेकर कि उन्हें बाकायदा अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। ये है ABP News, आपको रखे आगे।